कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर रोक लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही मात्र एक बड़ा उपाय है, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। वायरस फैलने से रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के काशीपुर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी, जहां दुकान के बाहर लगे गोल घेरों का जरा भी औचित्य दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, मौके पर पुलिस मौजूद होने के बाद भी व्यापारी और जनता को जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है। वहीं जब नगर निगम के नगर आयुक्त प्रकाश चंद से बात की गई तो उनका कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, इसके लिए 8 टीमों का गठन भी किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा परिपालन कराया जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने 8 टीमें तैयार की है। मेरी अभी जो यहाँ पर कोतवाली के इंस्पेक्टर उनसे भी बात हुई थी। दरअसल यहाँ पर कल काफ़ी बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, तो ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ दुकानों में पानी भर गया है और ऐसा संभव हो कि वो लोग वहाँ पर ज़्यादा जो कीचड़ चढ़े उसकी साफ़ सफाई कर रहे हों, लेकिन इस पर हमारी सतर्क निगाह है। और अगर दुकानें खुली हैं वो इस शर्त के साथ खुली हैं कि वो मास्क है, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग इसका अनुपालन करेंगे। लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बेचने की अनुमति मिली है, वो भी एग्रीकल्चर विभाग से, और इसके बाद भी बाज़ार में अभी आप जो हलचल देख रहे हैं ज़्यादातर सिर्फ किराने की सब सामान की है। हम लोगों का सामान बहुत कम ग्राहक है, इस चीज़ का बहुत कम है। सिर्फ एग्रीकल्चर जो किसान व्यक्ति है जो सामान लेना चाहता है वही लेने आ रहा है, बाकी एज सच ऐसा कोई कस्टमर बाज़ार के अंदर नहीं है बायर्स, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कोरोना की वजह से। लोग नहीं चाहते हैं कि उनको बीमारी फैले, वो चाहते हैं कि वो कम से कम सुरक्षित रहें, घरों में रहें। बहुत कम ग्राहक निकल के आ रहा है हमारे मटेरियल का सामान निकालने। एक और जहां शासन प्रशासन वायरस को लेकर अलर्ट पर है, तो वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आने से प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं।